3 दिन दूध में उबाल कर पी लो, 100 साल तक हड्डियों की कमजोरी, थकान, कमजोर आंखें, कैल्शियम की कमी, हाथ पैर और कमर में दर्द आपको नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो नुस्खा बताएंगे उसे आप घर पर भी बना सकते हैं और इसके सेवन से अपने शरीर की एड़ी से चोटी तक की हर बीमारी का जड़ से इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा आपके शरीर की हर बीमारी का जड़ इलाज है, चाहे वो बीमारी कितनी ही छोटी से छोटी हो और कितनी ही बड़ी से बड़ी हो। ये नुस्खा आपको पूरी तरह से निरोगी बना देगा और आपके शरीर की हर बीमारी का जड़ से इलाज करेगा। अगर हम बात करें इस नुस्खे के एक दिन की लागत की, तो वो मात्र 10 रुपए आती है। यानी कि आप मात्र 10 रुपए में अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे के सेवन से आपको कभी जोड़ों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, जैसे हाथ का दर्द हो, पैर का दर्द हो, कंधे, कमर, कलाई, गर्दन, कहीं का भी दर्द हो, वो इसके सेवन से खत्म हो जाएगा और आपको जोड़ों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी और आपकी हड्डियां वज्र के समान मजबूत बनेंगी। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो उसे भी ये नुस्खा पूरा करेगा। आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा और खून को साफ भी करेगा, जिससे कि आप हर तरह की बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको पेट से जुड़ा कोई भी रोग है तो वो भी इसके सेवन से ठीक हो जाएगा। आपको कभी पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट दर्द जैसे रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो वो भी इसके सेवन से कम हो जाएगा। ये आपके पेट की चर्बी को मक्खन की तरह पिघला देगा और आपको स्लिम और फिट बनाएगा। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है तो उसमें भी ये नुस्खा काफी फायदेमंद है। इसके सेवन से आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, हार्ट से जुड़ी आपको कोई समस्या है, तो वो भी इसके सेवन से ठीक हो जाएगी। ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सही करेगा, हार्ट के ब्लॉकेज नसों को खोल देगा और आपको कभी हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हार्ट से जुड़े सभी रोगों से बचे रहेंगे। दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को फौलादी बनाना चाहते हैं, तब भी ये नुस्खा आपके लिए फायदेमंद बनेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है और किस तरह आपने इसका सेवन करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन को आंच पर रखें। अब इसमें 1 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी डाल दें और इसे हल्का सा गर्म होने दें। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच खसखस डालकर इसे अच्छे से भून लें और खसखस भुन जाने के बाद आप इसमें 1 गिलास गाय का दूध डाल दें। दोस्तों, अब दूध को हल्का सा गर्म कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें डालने हैं मुट्ठी भर मखाने। मखाने डालकर आपको दूध को अच्छे से चलाते रहना है। ये सामग्री आपने इसमें डालनी है। अगर आप इसमें मिश्री डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि वो स्वाद के लिए है। अगर आप इसमें मिश्री डालते हैं तो इससे इसका टेस्ट अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों को शुगर की बीमारी है और वो इस नुस्खे का सेवन करना चाहते हैं तो उन्हें इसमें मिश्री नहीं डालनी है। अब दोस्तों, इस दूध को आपने 3 उबाल आने तक पकाना है और जब दूध में 3 उबाल आ जाए तब आपने इसे आंच से उतारना है और 1 गिलास में डालकर रख लेना है। दोस्तों, आपको इस दूध को छानना नहीं है, इसका ऐसे ही सेवन करना है और आपको इसका सेवन सुबह खाली पेट बासी मुंह करना है। रोजाना इस नुस्खे को बनाना है और रोजाना इसका सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको चमत्कारी फायदे मिलेंगे। आपके शरीर की हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त बनेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।